वड़ा पाव खाने के बाद हाथ धोने के बाद उसके बाद मेरा खाने आओ एक बार। वड़ा पाव खा के पैसे नहीं दिए तो मेरा खाने आओ एक बार। वड़ा पाव खाने के बाद मुंह पोंछ कर मेरा खाने आओ एक बार। इसको बाद में देखेंगे, अभी वड़ा पाव वाली का खा लेते हैं। अरे दीदी रो क्यों रहे हो यार, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई वीडियो, इससे पहले ही आप रोने लग गई। अभी तो वीडियो बनाने तो दो पूरी, मेरे को लास्ट तक तुम देखो तो सही, उसके बाद रोना। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। आज हम बात करने वाले हैं वड़ा पाव वाली के बारे में। जिस लड़की को तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पर वड़ा पाव बेचते हुए, कभी देखा होगा कंट्रोवर्सी करते हुए, कभी देखा होगा रोते हुए, कभी देखा होगा कुछ ना कुछ करते हुए, तो चलो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही है। उससे पहले हम नजर घुमाते हैं उसके छोटे से एक इंस्टाग्राम आईडी पे कि वो क्या क्या करती है। उन्होंने मेंशन तो किया होगा ना, तो वो एक्टर भी है। अभी एक्टर होना तो जरूरी है, अगर तुम वड़ा पाव वाले हो तो एक्टर वेक्टर तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना, तभी तो वड़ा पाव बिकेंगे ठीक से। यार आपका वो थोड़ा माइक दिख रहा है, उसको अंदर कर लो। पता है आप एक्टर हो, अपने बायो में लिखा है, मैंने देखा भी है, पता है मेरे को आप एक्टर हो, लेकिन अभी लोग देख रहे हैं थोड़ा सा। फंस गया भाई, ऐसे मत करो, मैं सारे माइक निकाल दूंगी, प्लीज ऐसे मत। अरे दीदी यार आप तो गुस्सा हो गए यार, कोई नहीं कोई नहीं, बनाओ बनाओ बनाओ, आप बनाओ। थैंक यू दीदी यार वड़ा पाव देने के लिए। हर लोग क्या फेमस हो जाते हैं उसके बाद क्या उसकी बैक स्टोरी भी तो वो सुनाते हैं। जैसे कि ये समझ लो तुम एग्जांपल के लिए, पहले मेरा बेटा अंडे बेचता था मुर्गी के, लेकिन आज इतना बड़ा हो गया है कि वो साला लोगों के अंडे बेच रहा है, ऐसा कुछ समझ लो। ऐसे अपनी बैक स्टोरी समझाते हैं लोग, बताते हैं। इसकी भी एक बैक स्टोरी है यार, वो भी तो सुन लो। बेटा है मेरा भी घर पर है, उसे क्रच में छोड़ना पड़ा क्योंकि जॉब में प्राइवेट सेक्टर में ऑफ नहीं मिलता आपको ज्यादा। 12-12 घंटे की मैंने अपनी जॉब भी करी है, सारी चीजें भी करी है, पर बेटे की कंडीशन इतनी हो गई कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जो भी हो यार, लेकिन बायो में लिखा है यार दीदी ने कि वो एक्टर है, तो एक्टिंग तो अच्छे से करना आना चाहिए और बैक स्टोरी भी अच्छे से बताना आना चाहिए, नहीं तो कैसे, किस बात के तुम एक्टर यार, किस बात के। तो थोड़ी सी सैड स्टोरी सुन के मैं भी सैड हो गया। 12-12 घंटे काम करना पड़ता है तो बेटे को टाइम नहीं दे पाती है। पर मैंने उनके इंस्टाग्राम के बायो में देखते देखते मैं उनकी रील पे पहुंच गया, तो मैंने देखा ये क्या है। कोई दिक्कत नहीं दीदी, एक्टर है यार, बैक स्टोरी भी एक एक्टिंग ही तो है, तुम लोग क्यों इतना रियल समझ रहे हो, एक्टिंग है सब एक्टिंग है। तो अभी तुम एक्टर की जिंदगी समझते नहीं हो, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है लेकिन बेटे को टाइम देने को नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास रील बनाने के लिए एक साथ 10-10 रील, 7-7 रील बनाने के लिए टाइम है, लेकिन बेटे को देने के लिए टाइम नहीं है। ये एक एक्टिंग वाली स्टोरी है मेरी तरफ से, नहीं नहीं मेरी तरफ से नहीं उनकी तरफ से। कैमरा है यार, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, ज्यादा और एक्टिंग हो जाती है, समझा करो भाई यार तुम लोग। इसका परमिशन लेटर है यहाँ पे रेडी लगाने का, मुझे बताओ क्या है। यार वो एक्टर है, वहाँ पर देखो जो भैया है उनके साथ में, वो भी यहाँ पर एक कैमरा लगा रहे हैं, तो समझ रहे हो तुम लोग, बहुत खतरनाक एक्टर लोग हैं। घंटे वेट करेगी, तेरा बच्चा मर नहीं जाएगा, फाड़ दूंगी आदमी को, इतनी हल्की नहीं हूँ। दीदी ने बाबा के ढाबा वालों को देखा होगा, दीदी ने कूलर पिज्जा वालों को देखा होगा कि वो तो पहले से ही एक्टर है, उन्होंने तो लिख ही रखा है बायो में, तो उन्होंने भी सोचा कि फाड़ दूंगी, ऐसे एक्टिंग करूंगी। हाँ हाँ वो एक्टर तो है ही सही, कितनी बार बोलूं भाई के बायो में भी लिखा हुआ है, समझ रहे हो। चटनी डाल के नहीं देती मैं, जब चटनी से पूरा आपका बड़ा पाव खराब हो जाएगा अगर आप पैक करके ले जाओगे। आप डालो, मैं तो गाड़ी में देना ना, प्लेट सबको दे दूंगी, आप दे दो मुझे, मैं तुम्हें। हाँ भाई पैक करके ले जाओगे तो चटनी नहीं देगी, पैसे पूरे लेगी लेकिन चटनी नहीं देगी पैक करके ले जाओगे तो, ये भी सही है इसकी माँ का। मैं तो जाऊँ नहीं ऐसी दुकान पे इसकी माँ का, जब चटनी नहीं दे तो क्या ही मतलब जाने से। अबे यार ये सारे लोग क्यों जा रहे हैं इसके पास, फिर चटनी नहीं दे रहे हैं तो। अरे सॉरी दीदी, गुस्सा क्यों कर रही हो यार, काटो रे काटो, इस क्लिप को काटो। आना भी बुला लो, जिसको बुलाना बुला लो, सपोर्ट आना, वो नई कार्ड ओपन हो रही है, जिसको बुलाना बुला लो। अबे भाई इसका जो भी है ये साथ में, ये भी साला यार यहाँ पर माइक लगाता है यार, मतलब ये भी एक्टर है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी शायद एक्टर होगा, जैसे इसकी बहन है यहाँ पे, जो भी है ये जिसके साथ हम रहेंगे वैसे गुण तो आएंगे ही ना यार, तो ये भी एक्टर ही होगा शायद। यार दीदी बाद बाद पे गुस्सा और रोने लग जाती हो यार, सॉरी यार नहीं बोलूंगा आपके भाई को यार, एक्टर है वो भी, सॉरी।
20 रुपए का वड़ा पाव भीड़ देख के सब खाने के लिए आ जाते हैं। मेरा 20 रुपए का है, मैं अच्छा टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा खाने आओ एक बार। वहाँ पे ना भीड़ देख के आते हैं, मेरे पास भीड़ नहीं लग रही है, इस वजह से मेरे पास कोई नहीं आ रहा। अबे क्या बात कर रहे हैं ये बच्चा, 50 रुपए का वड़ा पाव बेच रही है वो लड़की और वहाँ पर भीड़ देख के लोग खाने को आ रहे हैं। भाई भीड़ देख के खाने को नहीं आ रहे, वो कुछ और देख के खाने को आ रहे। लड़की है यार, लड़की को देख के हर कोई खाने को आता है और लड़की को देख के हर ब्लॉगर अपना कैमरा लेके आता है कि हाँ मैडम जी मेरा माइक लो, अब बोलो यार आप ये क्या डाला है, ये क्या डाला है, ये क्या डाला है। दिख रहा है बहन जो चटनी डाली है, साफ साफ दिख रहा है, पानी डाल के चटनी से पीस पीस के बनाई है, लेकिन नहीं क्या डाला है ये पूछना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बच्चा यार बोल रहा है कि एक बार मेरा खा लो, इसकी माँ का तुम सब ये छोड़ो तुम मेरा खा लो। बेटा यार पूरा तो बोल, वड़ा पाव खा लो, मेरा खा लो, क्या बोल रहा है भाई तू ये सब। तो बस आज के लिए इतना ही, जो भी लौंडे आए थे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। बस ये वीडियो फन वे के लिए थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं बड़ा बहुत बड़ा हेटर हूँ उस वड़ा पाव वाली का। तो आज के लिए इतना ही, जो भी लौंडे थे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।